अभी तो आई एम ऑलरेडी मैरिड, क्वेश्चन नहीं बनता ये। ना की वजह इतनी स्मार्टनेस दोनों की है, माशाल्लाह क्या राज है। खाने पीने नाल से कर रहे हैं। गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाज़रीन, परिजा ड्रामा तो यकीनन आपने देखा ही होगा जो आजकल काफी मकबूलियत हासिल कर रहा है, और उसकी मकबूलियत की एक अहम वजह परिजात जो उसका मेन करेक्टर भी है वो उसकी मकबूलियत की वजह बन रहा है। तो आज हम परिजात के हवाले से ही लोगों से सवाल करेंगे कि अगर उन्हें रियल जिंदगी में परिजात जैसा शख्स मिलता है तो क्या वो उससे शादी करेंगे या नहीं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब यहाँ मौजूद लोगों से। अगर आपको रियल लाइफ में परिजात जैसा इंसान मिलता है तो क्या आप उससे शादी करेंगी? शायद में हाँ की और ना की क्या वजह है? हाँ, इसलिए क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था जो दिखाया हुआ, और ना इसलिए क्योंकि हार्ड वर्किंग नहीं था, कुछ इन्फ्लुएंसिंग नहीं था इसलिए। तो दिल का आपने कहा शादी आप करेंगी, ठीक है, तो कब करेंगी? जब वो गरीब था तभी कर लेंगे कि जब वो अमीर हो जाएगा फिर करेंगी? अभी तो आई एम ऑलरेडी मैरिड, क्वेश्चन नहीं बनता ये। नहीं तो हम तो वैसे ही आपसे पूछ रहे हैं, हम कौन सा आपको कह रहे हैं कि परिजात को लेके आते हैं अभी। ऑब्वियसली जब वो ऊपर चला गया था तब तो, मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा है वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, आप तो बहुत जरूरी है। मोहब्बत से ज्यादा पैसा? नहीं, पैसा या मोहब्बत? मोहब्बत दोनों। ये बताओ कि परिजात ड्रामा देखा है आप लोगों ने? जी। अच्छा, तो जो परिजात ड्रामे में जो हमारा मेन करेक्टर है जो जनाब परिजात साहब, तो अगर परिजात जैसा इंसान आपको रियल जिंदगी में मिलता है तो क्या आप लोग उससे शादी करना पसंद करेंगे या नहीं? ये तो बहुत मुश्किल है। इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने उसको देखा है? हाँ या ना? नहीं। ना की वजह? अच्छा, ये बहुत बढ़िया, आपने उनकी वजह बताई है, तो मतलब आप नहीं करेंगे उससे शादी? नहीं करेंगे। नहीं। और आपका क्या इरादा है? मैं भी नहीं। नहीं करेंगे। आपके आपके नाक की क्या वजह है? काले। वेरी बैड। इंसान दिल के खूबसूरत होने चाहिए, रंग पे क्या रखा है। बहुत मजा आया आपको, तो अब आप क्या सुनाना चाहोगे? मैं सुनाना चाहूंगी दिल की हिम्मत वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आपने गाया। ठीक है सोमिया, आपने परिजात ड्रामा देखा है? हाँ, मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स उसके देखे हैं। तो जो परिजात में हमारा जो अहम किरदार है परिजात, अगर वो आपको रियल ज़िंदगी में मिलता है तो क्या आप उससे शादी करेंगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, एक तो पहले मिलकर मैं शादी चुना हूँ। उसके करेक्टर में है, मतलब एंड द एंड तो वो बहुत ही अच्छा था, और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जैसा दिखा, अगर मैं होती तो शायद इनकार ही कर देती। अच्छा, तो उसके इनकार करने की वजह थी वो जैसा दिखता है? हाँ, कहीं ना कहीं आपको पता है गर्ल्स तो देखती हैं कहीं ना कहीं। अब तो उसके पास पैसा आ गया ना, तो फिर पैसा भी तो लड़कियाँ देखती हैं, इसलिए एट द एंड जैसे वो जिस सिचुएशन में था ना, तो शायद मैं 100% ही कह देती कि हाँ ठीक है, ओके। तो अब आप क्या सुनाना चाहेंगी? क्या सुनना चाहेंगे आप? हम सुनना चाहेंगे आपकी प्यारी आवाज़ में एक प्यारा सा गाना। कौन सा गाना गाएं फिर? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। थैंक यू। वहाँ खड़ी की हुई है आपने, इतनी स्मार्ट आपकी बीवी, आपने वहाँ खड़ी कर दिया है। हुण दसो की लाना जी मुल जोड़ी दा? जोड़ी दा मुल दसो की लाना जी? मुझे ये पता है, माशाल्लाह इतने पतले कैसे आप दोनों? दोनों में थोड़ी थोड़ी रोटी खाने हैं, थोड़ी थोड़ी रोटी खाते हैं। मैडम बताइएगा कि इतनी स्मार्टनेस दोनों की है, माशाल्लाह क्या राज है। खाने पीने घर दे हमारे खानदान में ही ऐसे सब ऐसे ही है, खाने पीने नाल दे घर रहते हैं। मतलब वो था ना, हमसे
सब उम्मीद से हैं तो हम सब फिर उम्मीद तो नहीं है अजय फिलहाल ऐसी लास्ट उम्मीद सी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ए तू तो वो गल की थी कुड़ी है तू और ड्रामे का नाम ड्रामा आते हैं हम सब उम्मीद से हैं हां सारे उम्मीद ने अल्हम्दुलिल्लाह जड़े जड़े ब्याह ने उम्मीद ही ने देसी तो मिला भी। अच्छा जी प्रोग्राम जो है वो किसी और साइड पे जा रहा हम वापस आते हैं मैं कहूंगी उधर कर लेंगे। अगर इतने माशाल्लाह खुश इखलाक और इतने जो हसमुख कैसे आप लगो तू तेरे सामने खलोता और किस तरह होना चाहिए किस तरह ना होता जी पाकिस्तान में इतनी टेंशन है आपकी टेंशन कहां जाती है अभी तो सारे डिलीट करके आने हैं दे देते हैं लोगों को हां ना क्यों देते हैं क्यों जो लो दसो थानू चाचा इमरान खान दा सी अगों दे देने इमरान खान आपको चाचा है चोर की मेरे तो बड़ा है तो मैं चाचा ही हूं ना मेरे चाचा की उम्र 70 साल ना हो मैं 50 साल ना ना गलत जाती है जाती है सिर्फ वो स्मार्ट है मैं 70 साल ना अच्छा और वो आयशा ड्रामा तो आपने देखा ही होगा बिल्कुल कैसा लगा आपको काफ़ी अच्छा है गनिंग के काफ़ी अच्छी स्टोरी है उसमें काफ़ी अच्छा बताया हुआ कि मेहनत के बारे में तो आप हम ये बताएं कि अगर आपको रियल ज़िंदगी में परीजात जैसा इंसान मिलता है तो क्या आप उससे शादी करेंगे या नहीं ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है सामने आपको फ्यूचर आ गया और सामने परीजात भी आ गया तो क्या करेंगी तो कौन सा शादी तो होनी है फिर बस इंसान अच्छा होना चाहिए तो आप उससे शादी कर लेंगी उसकी खास वजह क्यों अच्छा दिल का अच्छा होना चाहिए नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए ना कि अब उसका हमने ये देखना है कि कितना कमाता है वगैरह प्यार मोहब्बत ही सब चलता है तो मतलब जो पहले परीजात था ना बेचारा मासूम सा मस्कीन इंसान उससे शादी करेंगी जो अब जो परीजात है उससे करेंगी वही उसमें क्या के कामयाब तो हो जाता आगे जाके फ्यूचर में भी पॉइंट है आया ये बताएं कि परीजात ड्रामा तो आपने देखा ही होगा हाँ जी तो फिर अगर आपको रियल लाइफ में परीजात जैसा इंसान मिलता है तो क्या आप उससे शादी करेंगी जी बिल्कुल तो ये जी बिल्कुल की क्या वजह है कि क्या क्यों करेंगी क्योंकि उसमें दिखाया है कि इंसान कैसे गरीबी की तरफ से अमीरी की तरफ तरक्की की तरफ जाता है इस वजह से वो एक कामयाब शख्स होता है तो लुक्स नहीं मैटर करती वो जो टिकटॉक पे चलता है ना लुक्स भी मैटर कर दिया ने जो तेरे को तो है ही नहीं खूबसूरती आज है कल नहीं है लेकिन इखलाक और सब चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती हैं मतलब आपके लिए जो है सीरत इम्पॉर्टेंट है सूरत नहीं नहीं और अगर वो गरीब था जब तब वाले परिजात से शादी करेंगी जब वो अमीर हो गया था तब करेंगी दोनों सूरत हाल में अच्छा कबल ये तो बताएं कि सबसे पहले तो बताएंगे आप इतनी प्यारी क्यों है माशाल्लाह पता नहीं बस अल्लाह ताला ने बनाया जो सभी बनाया है अच्छा तो अब आप ये बताएं कि परिजात ड्रामा तो आपने देखा ही होगा जी बिल्कुल तो परिजात का जो करेक्टर है परिजात अगर आपकी रियल लाइफ में आपको मिलता है वो तो क्या आप उससे शादी करेंगी हाँ मैं कर लूँगी उससे शादी कर लेंगी क्यों हाँ बस वो ये है कि बाद में अमीर हो जाता है और उसका ये करेक्टर बहुत अच्छा है अगर रियल लाइफ में ऐसा मर्द हो तो फिर तो इंसान से शादी कर ही लेता है लेकिन बहुत से लोगों को कहना है कि वो गुड लुकिंग नहीं है ड्रामे में इसलिए उसको लड़की भी नहीं मिलती है कि वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है आजकल आपको पता है सबको ही मिल ही जाती है लड़की और नहीं इंसान को सूरत पे नहीं जाना चाहिए सीरत पे जाना चाहिए वैसे भी आजकल सैलून मौजूद बिल्कुल ऐसे ही है सब खुद ही वो सफ़ेद हो जाएगा खुद ही वाइट हो जाएगा हाँ मतलब आपके पास सारी ब्यूटी टिप्स हैं कि आप उसको अपने परिजात को जो है वो प्यारा कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही है तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो हम ना रहे जी नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने बहुत ही मिले जुले से जवाब दिए कुछ का कहना था कि बिल्कुल भी हम उससे शादी नहीं करेंगे वहीं कुछ का कहना था कि अगर हमें वाकई परिजात जैसा इंसान मिले तो वाई नॉट हम क्यों नहीं शादी करेंगे उससे क्योंकि सूरत से ज़्यादा सीरत इम्पोर्टेंट होती है और इसीलिए वो सीरत को अहमियत देते हुए परिजात जैसे इंसान के साथ अपना ज़िंदगी का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इसी के साथ अपनी मेज़बान रमशा चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान खुदा हाफिज़ Subscribe Gulf Pakistan